राजस्थान अपडेट। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भरतपुर में 75वां गणतंत्र दिवस पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया गया। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने तिरंगा फहराया। इसके बाद राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर 73 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। स्कूल के बच्चों ने घने कोहरे के बीच देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुतियां दी। यूआईटी सचिव कमल राम मीणा ने राज्यपाल का भाषण पढ़कर सुनाया। इसके बाद मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने 8 वीरांगनाओं का सम्मान किया, 13 प्रतिभाओं का सम्मान किया। इसमें व्यापार संघ भी शामिल थे, जिन व्यापार संघ ने 22 जनवरी को अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बाजारों को सजाया था। ऐसे व्यापार संगठनों का गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मान किया गया। भजनलाल शर्मा को भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सीएम की देखरेख में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा संकल्प पत्र 2023 पर काम करते हुए गरीब के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। यह बात विधानसभा चुनाव में राज्य में सुशासन देने वाली सरकार की वजह से ही हो पाई है। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी का गठन कर पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ शिकंजे करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश को शांतिप्रिय बनाने के लिए एंटी टेररिस्ट गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। सभी भारतवासियों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के निर्माण का यह अमृत उत्सव हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि देने वाला ऐतिहासिक